कटारिया और स्वागत है बर्शिप कटारिया ब्लॉग्स में। तो दोस्तों ये मेरी मारुति सुजुकी बलिनो 2022 मॉडल जो मैंने अभी 2 महीने पहले ली थी, इसको मैंने चला दिया है 10,000 किलोमीटर और इसकी पहली सर्विस आ गई है। तो हम लोग जा रहे हैं इसकी सर्विस कराने, फर्स्ट सर्विस नेक्स्ट में ऑथोराइज डीलर है जो इसका, और आपको मैं बताऊँगा कि इसकी एक्चुअल सर्विस कॉस्ट क्या आती है, कितनी कम है कितनी ज़्यादा है। कोई कहता है भाई मारुति की सर्विस कॉस्ट कम है, कोई कहता है कि पार्ट्स में थोड़े एक्सपेंसिव है, तो मैं आज आपको बताऊंगा एक्चुअल में क्या है, सर्विस कॉस्ट कितनी आती है आफ्टर 10,000 किलोमीटर। चलो आपको सर्विस हो जाए फिर बताते हैं। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं नेक्सा के सर्विस सेंटर में, ये शोरूम है और सर्विस सेंटर इनका आगे है अभी। भाई आ चुके हैं भाई सर्विस के लिए, फर्स्ट सर्विस है भाई 10,000 किलोमीटर की। मदन जी को क्या कह रहे हो भाई, बुक मिली थी? बुक बुक नहीं मिली भाई, ना बुक नहीं मिली मेरे को, ऑनलाइन बता रहे थे वो, कह रहे थे कि ऑनलाइन है गाड़ी का। हाँ ऑनलाइन कह रहे थे, फटाफट लगवा दो यार गाड़ी को। तो सर्विस करवा के अब हम निकल चुके हैं और सर्विस जो गाड़ी की हुई है वो आपको मैं बताऊंगा घर पहुंचकर कितने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दोस्तों सर्विस करा के मैं पहुंचा था घर, घर पहुंचने के बाद मैं आ गया था ऑफिस पे और अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्विस में क्या क्या कराया था मैंने, क्या क्या हुआ था सर्विस में, क्या क्या पार्ट चेंज हुए, ठीक है। और अभी अब तो दोस्तों मैंने गाड़ी क्लीनिंग देखो एक बार, क्लीनिंग बिल्कुल साफ है गाड़ी की, अंदर से क्लीनिंग बहुत बढ़िया कर रखी है इन लोगों ने, और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था मारुति में। मेरी मैंने पहली गाड़ी ली है मारुति की बलिनो ये नेक्सा, और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था मेरा। और गाड़ी में मैंने इसका ऑयल चेंज हुआ है और ऑयल फिल्टर चेंज हुआ है और 10,000 वाली सर्विस ही है इसमें गाड़ी में, और ऑयल चेंज करने के बाद गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। गाड़ी की जो पहले एवरेज दे रही थी ये दे रही थी 15-16, अब 1 किलोमीटर पर लीटर ये एवरेज दे देगी आपको, और बिल्कुल स्मूथ चल रही है गाड़ी। और मेरे को ये लगता था कि गाड़ी की सर्विस कम से कम 4 से 5 हज़ार में होगी इसकी सर्विस, बट इसकी सर्विस हुई है 1600 रुपये में। मेरे को खुद यकीन नहीं हो रहा कि 1600 रुपये में सर्विस होगी इसकी 10,000 वाली, जिसमें ऑयल चेंज भी हो गया और ऑयल फिल्टर भी चेंज हो गया। और मैंने इसमें उन्होंने मेरे को बोला था कि व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट और करा लो सर, तो मैंने वो नहीं कराई। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।